प्रवीण बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, ये मेरे पास 10 शेयर सर आइसर मोटर के सर 13,574 की खरीद है सर। जी जी, तो 3-4 साल का नजरिया सर है, तो उसका क्या करें सर? जी कब खरीदा था आपने ये? खरीदा था सर 2 साल पहले खरीदा सर। जी, एक ठीक ठाक मुनाफा यहाँ इस शेयर में इन्हें हो रहा है, तो अपने आप में गिरते बाजार में अच्छी बात है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि बाजार की कमजोरी से अलग आयशर मोटर्स में थोड़ी अलग चाल दिख रही है ब्रजेश, लेकिन अगर वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने सेक्टर के मुकाबले जो जिस तरह की ये कंपनी है उसमें वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे भाग रहा है। क्योंकि अगर हम दूसरी कंपनियां इस तरह की देखें, वैसे अपने सेगमेंट में इसका अपना यूएसपी है और एक सीधी टक्कर बाकी लिस्टेड कंपनियों से उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि वैल्यूएशन कहीं आगे जा रहा है और जो उम्मीदें बाज़ार इससे लगा रहा है, जिस तरह से बिजनेस बढ़ते रहने की उम्मीदें हैं, उनमें अगर कहीं झटका लगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे। देखिए राजीव, जैसा आपने जो कहा है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट कि ये एक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीम अभी भी बाकी है। इट्स बिन ट्रेडिंग इन एन अप ट्रेंड, ओनली वीकली चार्ट मंथली दोनों में भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। जिस लेवल पे इनकी बाइंग हुई लगभग समझ अराउंड 13,500 के आसपास में लिया हुआ है, एक बहुत अच्छा लेवल है। क्या नीचे में अगर मैं बात करता हूँ मौजूदा स्तर के हिसाब से, तो 17,500 और 15,000 ये दो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं। तो मेरी सलाह इनके लिए यही रहेगी कि लगभग 15,000 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें, क्योंकि इनका नज़रिया 2 से 3 साल का है। लगभग 20,000 और 21,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पर ये थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि पेपर में प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब तक अगर आप प्रॉफिट बुक करके लेके नहीं जाएं उसकी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं होती। तो लगभग 20,000 और 21,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन है, तो पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें। 17,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें और 2 से 3 साल के लिहाज से लगभग 28,000 से 30,000 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार दिखते हैं। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल बेल्लारी से है और अतीक रहमान ने हमें सवाल भेजा है, अपना जानना चाहते हैं आइनॉक्स लेजर के बारे में। 1,000 शेयर उनके पास हैं, खरीद भाव इनका 240 का है, तो नुकसान इस समय इन्हें हो रहा है और 200 के नीचे इसका भाव आ चुका है। ट्रेंड इसका कमज़ोर ही दिख रहा है, खास करके अक्टूबर के बाद से। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओवरऑल तो जैसे आपने बताया कि ट्रेंड डेफिनेटली डाउन ही है और वीकली चार्ट में इट हैज़ फॉर्म एन लोअर हाई फॉर्मेशन, लेकिन जिस हिसाब से ये 70-75 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि उसका एक स्टॉप लॉस ज़रूर बनाएं। जो लेवल पे इनकी बाइंग हुई है वो थोड़े से एक हायर एंड पे हुई है। अगर ये लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको रखना चाहते हैं तो 170 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अपसाइड में लगभग इनको 225 से 240 का एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। अगर एक बार हम उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होते हैं तो देन द नेक्स्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 290 से 300 तक के लेवल इनको देखने को मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मेरी सलाह यही रहेगी कोई उछाल आते तो निकल जाइए। अगर लंबा नज़रिया लेके चल रहे हैं लगभग 1 से 1.5 साल के हिसाब से, तो फिर सलाह यही रहेगी कि थोड़ा डिप आता है तो एक्यूमुलेट करिए और 170 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल भार्गव का है गुजरात से, इन्होंने SMS किया है हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। 100 शेयर इनके पास हैं, 2512 इनका खरीद भाव है, तो उस हिसाब से अभी इन्हें थोड़ा फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अपने आप में पिछले साल भर से एक रेंज बाउंड तरीके से ही काम कर रहा है, चल रहा है और ऊपर की ओर, खासतौर पर 2700 से आगे निकलते ही इसे रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो इस समय इन्हें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाज़ार के इस माहौल में ये जो 2700 के ऊपर के रेजिस्टेंस बार बार दिखते हैं उसको पार कर पाना इसके लिए आसान होगा? देखिए नो डाउट कि जिस हिसाब से मार्केट है, जिस जो चल रहा है अपर एंड पे बिकवाली आ रही है, उसमें ऑटो सेक्टर में भी ओवरऑल ट्रेंड में उतने स्ट्रांग नहीं है, बट जैसे 2700 और 2800 का आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन डेफिनेटली है।
तो वहां पर एक प्रॉफिट बनता है, तो वहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करने की ही सलाह रहेगी। अगर वो लेवल पे भी नहीं अगर रुक सकते तो मौजूदा स्तर जो है लगभग 2650 और 2670 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर एक प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें। नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 2450, थोड़ा सा ऊपर अगर मैं बात करूं तो 2500 का एक अच्छा एक सपोर्ट एक है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। अगर 2800 का जो लेवल है, जो बेस, जो रेजिस्टेंस जोन का जो बेस बना हुआ है, अगर हम उसके ऊपर सस्टेन कर गए तो लॉन्गर टर्म पिक्चर के हिसाब से लगभग 3200 से 3300 तक के लेवल चार्ट के अनुसार दिखते हैं, जो कि एक साल से डेढ़ साल के टाइम होराइजन में अचीव हो जाना चाहिए।